कौन है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर कौन है? बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। हम लोग के साथ बहुत लोग काम करते हैं, जिसका मतलब वो पॉलिटिकल हो पॉलिटिशियन हो गए क्या? फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। वो है क्या किस हैसियत के जो हम कमेंट करें उस पर? पीके का एक बयान से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। मौसम के साथ, कहा जाता है कि बिहार में मौसम के साथ साथ बिहार की राजनीति भी करवट मारते रहती है। पीके यात्रा पर निकले हुए हैं और उस यात्रा में पीके ने बिहार की राजनीति गर्मा दी है। पीके का साफ वह बयान है कि सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन को धोखा दे रहे हैं और बीजेपी के लिए वह काम कर रहे हैं, जिसका जवाब अब जदयू के तमाम मंत्री देना शुरू कर दिए हैं। पीके का उस बयान पर जदयू के मंत्री विजेंदर यादव ने पलटवार करते हुए साफ कह दिया कि पीके कौन है, मैं नहीं जानता हूं। जदयू में रहकर पीके ने बिहार के लिए काम किया था और उसी पीके को आज विजेंदर यादव यानी जदयू के मंत्री भूलने से इनकार कर दिए। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में है, हरिवंश सिंह आज भी वहां पर काम कर रहे हैं और एक दरवाजा उन्होंने खोल रखा है। कौन है नीतीश कुमार को अगर बात कर लेंगे बीजेपी से तो उनके माध्यम से कौन है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर कौन है? आप लोगों के साथ काम किए हैं? हम लोगों के साथ बहुत लोग काम करते हैं, जिसका मतलब वो पॉलिटिकल हो पॉलिटिशियन हो गए क्या? प्रशांत किशोर की बात पर हमारी वो है क्या किस हैसियत के जो हम कमेंट करें उस पर? कौन क्या बोल रहा है, हर बोली पर कोई कमेंट नहीं, कोई इम्पोर्टेंट लोग बोले तो उसको इससे संबंधित प्रश्न पूछिए। तो आपने सुना कि विजेंदर यादव ने साफ कह दिया कि कोई राजनीतिक दल में अगर काम करता है तो वह पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है, और पॉलिटिक्स अगर करना है तो बिहार के राजनीति में कर रहे हैं। चलिए ठीक है, वो अपना यात्रा करें, बदलाव क्या आता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से अनावश्यक टिप्पणी पीके कर रहे हैं यह गलत है। और विजेंदर कुमार ने हिदायत भी दिया है कि ऐसी टिप्पणी करने से बचे, और उन्होंने साफ कहा है कि एक समय में पीके का नाम जदयू से जुड़ा था और जदयू में रहकर पीके ने काम किया था, और उसके बाद विजेंदर यादव ने साफ तौर से पीके को पहचानने से इनकार कर दिया। पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और इस पलटवार में बीजेपी भी मस्ती ले रही है।